हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल्स डायरी। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग स्टाइल फ्रॉक की स्टिचिंग करना जानेंगे। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसका जो ऊपर की जो चोली है उसकी स्टिचिंग करेंगे। और जो मैंने इसका नेक डिज़ाइन बनाया है उसको मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो नेक डिज़ाइन बनाया है इसको मैं अलग से वीडियो में मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो अब मैं इसकी बाकी स्टिचिंग करूंगी और आप नेक की डिज़ाइन अलग से उस वीडियो में देख लीजिएगा। और ये भी सही रहेगा कि आप ज़्यादा अच्छे समझ जाएंगे उसको। तो इसके शोल्डर्स को पहले हम अटैच कर लेंगे दोनों को। इस तरीके से, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेक डिज़ाइन बनाया है हमने। और इसमें हम पाइपिंग लगा ली। एंड गाइज, हमें तिरछी पट्टी काट लेनी है और इसको इस तरीके से हम चोली के सीधे वाले साइड पे हमें इस तरीके से रखना है। और फिर हमें इसकी सिलाई कर लेनी है पूरे में। और ये इस तरीके से हमारा नेक का आगे का डिज़ाइन और पीछे का दोनों में ही ये इस तरीके से आड़ी पट्टी लग जाएगी। सो गाइज, अब इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। हम इसको पलट के अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम पूरे में स्टिचिंग कर देंगे और ये बहुत अच्छे से अंदर की साइड सिलाई हो जाएगी इसकी। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहें। और कोई नया डिज़ाइन जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो वीडियो में बनाने के लिए, वो भी मुझे आप बता सकते हैं। एंड गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जुड़ चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन बनाएंगे। स्लीव्स के डिज़ाइन में मैं नीचे इसके बॉटम में फ्रिल लगाऊंगी, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैं उसी को उसमें ऐड कर लूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम नीचे इसके बॉटम में फ्रिल लगाएंगे, और ये मेरे पास फ्रिल का कपड़ा है, ये वाला फ्रिल का कपड़ा है। सो इसमें हम बड़े टांके का रफ स्टिच कर लेंगे दोनों में। इस तरीके से मैं दूसरे कपड़े में भी कर लूंगी, दूसरे स्लीव के फ्रिल के लिए। एंड हम अब इसको स्लीव्स के बॉटम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये धागा इसको धीरे धीरे खींचते हुए फ्रिल बना लेंगे। इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसके बॉटम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम हो गया है, सेम साइज का हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से हमें सेम दूसरे स्लीव में भी करना है। और अब हम इसको पलट के भी स्टिचिंग कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सफाई के साथ नजर आए, इसकी सिलाई फिनिशिंग हो इसमें। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है ये स्लीव, और ये इसी की तरह हमें दूसरा भी तैयार कर लेना है। अब हम इस फ्रिल के नीचे के बॉटम को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
एंड गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा नेक डिज़ाइन और ये स्लीव्स भी बनकर तैयार हो चुका है। बस हमें इसे अटैच करना है दोनों साइड से और अब हमें बस नीचे का जो स्कर्ट बनाना है चोली का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास कपड़ा है नीचे स्कर्ट के लिए। बस हमें जैसे कि हमने स्लीव्स के बॉटम में फ्रिल डाला था सेम वैसे ही हमें बड़े टांके का रफ स्टिच लगाना है और इसका भी फ्रिल रेडी हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। एंड गाइज आप देख सकते हैं इसके दोनों स्लीव ज्वाइन हो चुके हैं। बस साइड से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है और इसका अब हमें जो हमने जो नेक डिजाइन बनाया था इसको इस दोनों को इस तरीके से मिला के यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर स्टिच कर लेना है ताकि जब हम इसके फ्रिल लगाएं तो ये इधर उधर ना हो और हम स्कर्ट में फ्रिल डालेंगे। तो ये रहा हमारा स्कर्ट का कपड़ा और इसको हम ये हमारा दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का ही है। अब इसमें हम एक एक करके दोनों में फ्रिल डाल लेंगे और हमें इसमें रफ स्टिच करना है। और जैसा कि हमने स्लीव्स के फ्रिल में एडजस्ट किया था उसके बॉटम के हिसाब से सेम हमें इस चोली के बॉटम के हिसाब से हमें फ्रिल को एडजस्ट कर लेना है धागे को कुछ इस तरीके से खींचते हुए ताकि बिल्कुल उसके बराबर हो जाए। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो गया है दोनों साइड से। अब हम इसको चोली के बॉटम से मिलाते हुए सिल लेंगे। फ्रंट साइड भी ऐसे ही सिल लेंगे और बैक साइड भी ऐसे ही सिल लेंगे। चोली का और स्कर्ट का दोनों सीधा वाला साइड हमें अंदर रखना है और उल्टा वाला साइड बाहर रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीधा वाला साइड मैं अंदर डाल रही हूँ और ये चोली का सीधा वाला साइड जो है वो अंदर है और उल्टा वाला साइड ऊपर रख रही हूँ। तो उल्टे वाले दोनों साइड हमें ऊपर रखने हैं एंड देन अब हमें इसको स्टिच कर लेना है। एंड गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ये इक्वल हैं। और इसी तरह हमें चोली के फ्रंट पार्ट में भी इस फ्रिल को बनाकर अटैच कर लेना है। इस वाले पार्ट में सेम एज इट इज तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये नेक डिजाइन और ये फ्रिल जो हमारा स्लीव्स का था वो भी स्लीव्स भी अटैच हो चुका है। नीचे का ये स्कर्ट भी अटैच हो चुका है। अब हमें इसकी साइड से फिटिंग करनी है और नीचे का बॉटम फोल्ड करना है बस। तो हम पहले जो हमें कमर पे जितना हमें फिटिंग चाहिए उस पर पहले हम निशान लगा लेंगे एंड देन अब हम उसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने इसको उल्टा कर लिया है और हम किनारे किनारे कमर पे निशान लगाएंगे कि हमें इसकी फिटिंग कितनी चाहिए। सो गाइस मैं अब यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लूंगी दोनों साइड से 1.5 इंच का जैसा कि आप देख रहे हैं।
डेढ़ इंच का यहाँ से लगा दूंगी निशान और डेढ़ इंच से मैं उधर की साइड से भी लगा दूंगी। इस तरीके से। एंड अब हम इसको सिल लेंगे। मुझे कमर 14 तैयार चाहिए थी तो मैंने डेढ़ डेढ़ इंच का निशान लगा दिया और 14 तैयार मुझे मिल गया। एंड अब हम इसको पूरा सिल लेंगे नीचे तक, और जहाँ पे हमने कमर पे निशान लगाया था उसको ध्यान रखेंगे। एंड गाइज, इसके नीचे तक पूरी स्टिचिंग हो जाने के बाद अब हम इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे स्कर्ट का। एंड देन हमारा ये लॉन्ग फ्रॉक जो है, इसकी स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और गाइज, अगर आपने इसका नेक डिज़ाइन देखना है कैसे बनाया है तो मैं उसकी अलग से वीडियो डाल दूंगी, और वो भी आप देख लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वो भी आप। एंड गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रॉक स्टिच होके पूरा रेडी हो चुका है, और इसकी फ्रिल भी जो घेरा था काफी अच्छा आया है, और मैंने इसमें हुक लगा दिया है, और ये हमारा स्लीव है पूरा तैयार हो चुका है सही से। तो गाइज, इस तरीके से आप अपना डिजाइन तैयार कर सकते हैं फ्रॉक का।